भूमियार के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बार सरवन कुशवाहा को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, आप जिस भी क्षेत्र में, भूमियार बंधुआ मजदूर है भैया, किसी का जिसका भी आप कह रहे हैं, बीजेपी का बंधुआ मजदूर है कोई? नहीं बाबा, डराए वाला है और नहीं बदले वाला है। अगर मेरा मूड बन गया तो हम वहीं जाएंगे। अगर आपको समस्या है आप चलिए, रात को चलिए, 10 बजे, रात को 10 बजे वो व्यक्ति मिलता है, तो हमारा वोट सरवन कुशवाहा को। अभी 3 बार से बाहरी आ रहा है, बाहरी जीत के जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारा शहर कोई 1% विकास की तरफ नहीं बढ़ा है। क्या सब इतना बड़ा बात बोल रहे हैं कि बीजेपी बार बार आ रहा है, जीत के जा रहा है, लेकिन कोई काम नहीं किया। तो इस बार आपका मत किधर है? नवादा क्या लग रहा है, अलग मोड़ पर है क्या? हाँ, इस बार हम लोग मूड बना चुके हैं। हम लोग अपना प्रत्याशी चुन चुके हैं। किनको चुने हैं जी? हम लोग चुने हैं, अभी आपको कैसे बताएं हम, लेकिन हम लोग चुन चुके हैं, बाहरी को नहीं बनाएंगे। बाहरी नहीं बनाएंगे तो नवादा के भी बहुत सारे प्रत्याशी है, गुंजन सिंह है, विनोद यादव है, सरवन कुशवाहा है, और भी बहुत सारे प्रत्याशी है जो आप मैदान में उतर चुके हैं। देखते होंगे कल से गाड़ी भी उनकी निकलेगी। तो आपका मत क्या लग रहा है, नवादा का विकास कौन कर पाएगा? आपको क्या लग रहा है? आपको तो लग रहा है कि आप बीजेपी से हैं? नहीं, क्यों बीजेपी नहीं है, आपका गलत फहमी है कि हम लोग स्वतंत्र है सबके लिए। आपका क्या लग रहा है? नहीं नहीं, इस बार RJD आ रही है, इस बार हम लोग RJD के सपोर्ट में है। किनके सपोर्ट में? हम सपोर्ट में है, सरवन कुशवाहा जी के सपोर्ट में हम लोग है। सरवन कुशवाहा RJD से आ रहे हो? हाँ, RJD से आ रहे हैं। आपका जितने भी कास्ट के होते हैं, आपके जितने भी जात से होते हैं, सबका कहना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी के तरफ है। आप भूमियार होके कह रहे हैं, हम RJD के तरफ है। मेरा कनेक्शन जहाँ नजदीक है, इस बार हम सपोर्ट करेंगे वहीं जी। ये मतलब नवादा कुछ अलग मोड़ पर जा रहा है? अलग है, इस बार कुछ नया होने वाला है नवादा में, हम ये चाहते हैं और ये होगा ही। लग रहा है कि सरवन कुशवाहा जी का आप जैसे नाम लिए, सरवन कुशवाहा खड़े उतरेंगे नवादा के, जितने भी जनता है उनके लिए, नवादा के हर विकास का काम करेंगे। ठीक है, 3 बार और भी दे दिए तो क्या हो गया? 3 बार से कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। चंदन सिंह बोलता है एक दिन में 68 योजना दे। अरे कुछ नहीं हुआ भैया, आप भी यही है, आप भी देख लीजिए घूम के पूरा शहर, और भी पूछ लीजिए और लोगों से, और भी यही यहाँ पे भैया लोग भी है, कुछ नहीं हुआ। किसी से पूछ सकते हैं इस बार, मतलब चेंजे सब चीज है। हाँ एकदम, हम विनोद यादव काहे नहीं देखना चाहते हैं, वो भी तो गांव का है, नवादा का आपका है, गुंजन सिंह भी तो नवादा का। अब देखिए, अब है तो सब, हाँ, लेकिन ये भी आप देखिए है ना, क्या काम कौन करने वाला है, कहाँ से कौन है, आपके लिए कौन सही है। अच्छा, लगातार देख रहे होंगे हर जगह जाकर सब काम कर रहे थे, लेकिन सरवन कुशवाहा जी का जैसे आप नाम लिए तो क्या लग रहा है, वो फिर से नवादा वासियों के दिल, और नवादा वासी उनको चाहते हैं, मतलब वो दिल जीत चुके हैं। आप समझ रहे हैं आपके बोलने का तरीका, वो दिल जीत चुके हैं। आपके बोलने से ज्यादा उनके तरफ लोग आकर्षित है, आकर्षित है। हाँ एकदम, लांटन जला दीजिए एकदम, इस बार पूरे यार भी एकदम झोंक दीजिए अपना ताकत लांटन में। देखिए, अरे अब बोले तो कि 3 बार से तो हम लोग जिता रहे हैं, हाँ, जिसको चाह रहे हैं उसको, हाँ, लेकिन इस बार हम लोग मूड बदल लिए हैं कि बदलना है, इस बार बदल के देखते हैं क्या होता है, मतलब बदलना है पूरा, तय है एकदम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बहुत सारे ये भी लगते हैं भूमियार समाज से, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आप? नीरज नाम है भैया हमारा। नीरज नाम, क्या लग रहा है नीरज जी इस बार? आपका नाम क्या हो, पूरा नाम? नीरज सिंह नाम है, जो आप जानना चाहते हैं वही नीरज सिंह। राजपूत आप भी है? नहीं नहीं, भूमियार समाज से आते हैं। हाँ। क्या लग रहा है नीरज जी कि इस बार नवादा में कुछ अलग मोड़ होगा, खेला होगा? एकदम खेला हो चुका है, खेला होने वाला है, खेला 19 तारीख को पता चल जाएगा, खेला हो चुका है। कैसे खेला होगा, कैसे आप कैसे तैयारी कर रहे हैं आप? तैयारी चल रही है। तैयार वोट देना आपका इस बार? स्थानीय का मुद्दा भैया, स्थानीय का मुद्दा। स्थानीय में तो बहुत सारे प्रत्याशी है, सरवन कुशवाहा जी है, विनोद यादव जी है, गुंजन सिंह है, और बहुत सारे कैंडिडेट है। बहुत सारे प्रत्याशी है, जैसे आपने बताया, ठीक है, सरवन कुशवाहा, ठीक है, सरवन कुशवाहा ऐसे प्रत्याशी है जो कि यहाँ के काम कर चुके हैं, पहले वो मुखिया रह चुके हैं अपने क्षेत्र में, MLC का चुनाव लड़े, मिलनसार व्यक्ति है, लोगों से मिलते हैं, लोग अगर उनके पास कोई लोग अपना समस्या लेके जाते हैं तो वो फेस टू फेस बात करते हैं, उनके सामने मिलने से, उनसे मिलने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, ना वो PA रखे हैं, ना कोई दलाल वहाँ बैठा है। अगर आपको समस्या है आप चलिए, रात को चलिए, 10 बजे, रात को 10 बजे वो व्यक्ति मिलता है, तो हमारा वोट सरवन कुशवाहा को। आपका वोट सरवन कुशवाहा को? वोट सरवन कुशवाहा को। ऐसा क्यों, आपको क्या लगा उनके सरवन कुशवाहा में कि आप, मतलब बोला जाता है कि जितने भी भूमियार समाज से हो या फिर ब्राह्मण समाज से हो सबका वोट आता है बीजेपी में, लेकिन आपका RJD में, ऐसा क्यों? तेजस्वी जी का ख्याल क्या लगा? जी जी, भूमियार बंधुआ मजदूर है भैया, किसी का जिसका भी आप कह रहे हैं, बीजेपी का बंधुआ मजदूर है कोई? विवेक ठाकुर के कहने से हो जाएगा भूमियार उसका? बता तो रहा है। अरे तो अब भाई स्वतंत्रता कुछ भी कह ले, हम भी कह रहे, कौन है विवेक ठाकुर? नहीं जानते आप? कोई नहीं जानता, 4 दिन पहले उसका नाम कोई नवादम जानता था? और उसके पिताजी को जानता है, उसको कौन जानता है? हम राज्यसभा सांसद थे। तो राज्यसभा सांसद थे तो लोकसभा क्या करने आए हैं? इस बार पूरा नवादा को विकास की ओर ले जाएंगे।
बाकी पहले से भी 3 सांसद रह चुके हैं ना उनके, हाँ। बीजेपी से भोला सिंह, गिरिराज सिंह, चंदन सिंह, आप एक योजना बता दीजिए जो नवादा में हुआ है सांसद के थ्रू, मतलब आज तक क्या विकास हुआ? कोई नहीं हुआ। आपके सामने भी है, हाँ। बहुत सारे लोग बैठे हैं, सबसे पूछ लीजिए, पूरा नवादा घूम के देख लीजिए, एक विकास नहीं हुआ अभी तक। आप एक विकास बताइए, आप एक विकास बताइए जो नवादा क्षेत्र में हुआ है, मतलब आज तक एक विकास चंदन। अरे भैया नवादा में एक आप चलिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलिए, वहाँ आईसीयू की व्यवस्था नहीं है। नवादा जैसे जिले में अगर किसी व्यक्ति को कुछ भी, हाँ। अगर खांसी सर्दी एक साथ हो जाए ना, हाँ। तो यहाँ के डॉक्टर उसको पावापुरी भेज देते हैं, हाँ। नालंदा जाना पड़ता है, हाँ। खांसी और सर्दी के लिए भी नवादा में डॉक्टर नहीं है, नहीं है। ये हाल है हमारे नवादा जिला का। लग रहा है जैसे आप स्थानीय मांग किए, श्रवण कुशवाहा ये सब व्यवस्था करवाएंगे? एकदम करवाएंगे, जरूर करवाएंगे, हम लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके सामने आवाज रखेंगे, भैया ये मुद्दा था, ये करना पड़ेगा, और वो करेंगे, विश्वास एकदम करेंगे, पूरा एकदम विश्वास। अच्छा गुंजन सिंह भी आ रहे हैं, अपना आजमा रहे हैं कि हम गायकी के माध्यम से पूरा, अच्छा लगातार 2-3 संसद हो चुका। अच्छा, आप बताइए, अगला संसद ठीक है? ठीक है, ठीक है, वो व्यक्ति ठीक है, गाना गाते हैं, गाना गाने के उनकी गायकी का हम फैन है, लेकिन एक व्यक्ति जो गाना गाता है, जो गायकी करता है, वो सांसद के तौर पर खरा उतरेगा, आई थिंक ये सही नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा उनसे, नहीं हो पाएगा। आज तक वो एक मुखिया का चुनाव नहीं लड़े भैया, सांसद का मतलब आप समझते हैं ना, पूरा जिला का मालिक, जिला का मालिक तो होता ही है, हाँ। लेकिन एक सांसद जो होता है भैया, लोकसभा चुनाव जो होता है वो भारत का सबसे बड़ा चुनाव है, लोगों का चुनाव है, ठीक है। आज तक वो एक मुखिया नहीं बने हैं, हाँ। अपने क्षेत्र, अच्छा ठीक है, वो नवादा का विकास करेंगे, नवादा की बात करते हैं, हाँ। चलिए उनके गांव भवनपुर, ठीक है, अगर उनके गांव में एक नाली भी बना होगा तो हमको बता दीजिए। अरे आप नवादा का विकास करिएगा, पहले गांव का विकास कर लेते, मतलब भवनपुर का विकास कर लेते, मतलब कहीं ना कहीं आपका मतलब फुल सपोर्ट है, जैसे आप खुल के कर रहे हैं। हाँ भैया खुल के, डरने वाले हैं? डरने लगता है आपका किससे? आपका कास्ट जितने भी बोलते हैं कि इस बार हम बात करते हैं, फेटा बांध के आ गए तो सामने वाला भूमिहार है तो हम अथी है भैया, मुंह तो हुए जतिया साथ हैं, काहे डर जाएंगे, बराबर रहेगा अपना, खुलकर अपना मत, अपना विचार जिसको देना होगा देंगे भैया, और सिर्फ हम ही नहीं, ये कहना गलत है कि सिर्फ भूमिहार से हम ही है, भूमिहार के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बार श्रवण कुशवाहा को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ आप जिस भी क्षेत्र में जाइए, तन मन धन पूरा लगा दीजिए। अरे तन मन धन, धन की तो जरूरत नहीं पड़ेगी भैया, सिर्फ तन और मन से, तन और मन से, तन और मन से, हाँ। धन की जरूरत यहाँ नहीं पड़ती, नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी, एकदम जीत निश्चित है। आप 4 जून को आइएगा, यही होटल पे खाना हम खिलाएंगे आपको, हम खिलाएंगे। अरे मेरे तरफ से पार्टी, क्या नाम होगा आपका? नीरज सिंह। देखिए ये वादा कर दिया है, 4 जून को आइएगा, खाना हम खिलाएंगे, ये बोल दिए कि 4 जून को आप आइएगा, हमारे तरफ से पार्टी रहेगा यही होटल पे, चाहत होटल नवादा फोर लाइन में। देखिए एकदम पूरा तय है, इनका कहना है कि हम लोग फुल समर्थन है जो आरजेडी को देते हैं, श्रवण कुशवाहा को देते हैं, नाम से बताते। हमारे साथ बहुत सारे व्यक्ति हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा दिनेश कुमार नाम है। हाँ जी, मुरझाल बैठे हुए, क्या बात है जी? आरजेडी मैं ही था। कैसे मैं है? पूरे मैं यादव समाज 90% हो गया इधर। अब यादव जी? हाँ यादव है, इसलिए की? हाँ इसलिए। जैसे अभी आपके सामने भूमिहार थे, ब्राह्मण थे, सब खाना है, सब जाति के साथ लग रहा है, A to Z की पार्टी है, एकदम A to Z की पार्टी। हाँ इस बार कुछ अलग रहा है, इसीलिए लालू जी ने बढ़िया कैंडिडेट भेजा है श्रवण कुशवाहा को, हाँ। सभी जाति बिरादरी को मिला के, हाँ। हर जिला में सबको दे रहा है, इसीलिए सही कैंडिडेट भेजा है। और रह गई विनोद यादव की, हाँ। तो विनोद यादव कुछ नहीं कर पाएगा, समझे? सब चीज उसी के घर में रहेगा जी, विधायक है ये उनका भाभी, हाँ। जी भतीजे MLC है ये, तबरी क्या खोजेगा? हम लोग बुढ़वा गए, देखिए नेता है जो कोई भी पार्टी में भाग जाएगा, हाँ, समझे, हाँ, उसका बाल बच्चा थोड़ा जाएगा नौकरी चौकरी, हम लोग नौजवान है, हाँ, समझे, पार्टी में नहीं तो वो पार्टी में चल जाएगा, हाँ, लेकिन हम लोग के नौजवान है, तेजस्वी नौजवान है, हाँ, 17 महीना में 3-4 लाख के दे दिया नौकरी जी, हाँ, तो हम लोग थोड़ो भागेंगे, वो भाग जाएगा लेकिन हम लोग नहीं भागेंगे, मतलब हम लोग के सिर्फ चाहिए नौकरी 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 वो कौन दे सकते हैं? वो तेजस्वी दे सकता है, नवादा का विकास, नवादा श्रवण कुशवाहा कर सकता है, रियल के है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नहीं जीतो तो कहीं नहीं जीतो, एकदम 90% एकदम 90% जीत है। देखिए एकदम ताजे से गड़गड़ाहट हो रहा है, क्या नाम हुआ आपका? गुलशन यादव। यादव जी देखिए आपके साथ आपके साथी बैठे हुए थे, इस बार बोले एकदम पूरा एकदम तन मन लगा दिए हैं, सब A to Z के पार्टी है। आप बीजेपी के साथ है? नए आरजेडी के साथ है। मरजुहार नियन बोलते हैं? मरजुहार नियन का हल बोलेंगे, आरजेडी मय है, पूरे मय खेला होगा, खेला होगा। क्या पूरा खेला होगा। क्या नाम है आपका? काजू यादव। काजू यादव काजू यादव काजू और किशमिश लाभ लग रहा है कि एकदम पूरा इस बार एकदम
मिठास में डुबा दीजिएगा नवादा पूरा मैं पूरा पूरा मैं पूरा। इस बार जो नहीं हुआ है ऐसा खेल होगा नवादा में और पूरा एकदम परिवर्तन की ओर नवादा है, परिवर्तन की ओर सब लोग मूड बना चुके हैं, पूरा जनता मूड बना चुके हैं नवादा के, इतिहास रचने को तैयार है बिल्कुल। हाँ जी, एकदम पूरा इतिहास लिखने के लिए तैयार है। क्या नाम शिवम कुमार? शिवम कुमार, क्या लग रहा है इस बार इतिहास लिखेगा नवादा? बिल्कुल 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 बिल्कुल, मतलब नए कैंडिडेट को लाइएगा? एकदम बिल्कुल लाएंगे, लाइएगा तो विकास होगा नवादा, बिल्कुल विकास होगा। ढूंढना ना बोल रहे नहीं जी, 500 देगा इधर, 1000 देगा। अरे पैसा नहीं लेंगे, पैसा पर नहीं बिकेगा, पैसा कहीं लेंगे? पैसा कहा की आज पैसा देता है तो नौजवान इधर से उधर हो जाता है, बेरोजगार पैसा है नहीं, बाबन डराए वाला है और नहीं बदले वाला है। अगर मेरा मूड बन गया तो हम वहीं जाएंगे, हाँ हम कट्टर हैं, कट्टर है हाँ। तो कहता है और अभी जैसे बोल रहे थे ना, बावन डराए वाला है ना बदले वाला है, तो और सब नवादा वासियों को क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि इस बार मौका दीजिए और परिवर्तन की ओर जो हमें आपके हिसाब से जो सही लगे उसको दीजिए, बाहरी स्थानीय को ही रखिए, जो भी आपके सुविधा से जो भी अच्छा करे, यहाँ यहाँ के बारे में जो सोचे, आपके बारे में जो सोचे, क्योंकि बाहरी तो फिर देखने के लिए दोबारा नहीं आता है, नहीं जाएगा। तीनों सांसद को देख लीजिए, गिरिराज सिंह हो गए, चंदन सिंह हो गए, भोला सिंह हो गए, कभी नहीं आए हैं दोबारा, जीतने के बाद एक बार देखते नहीं आकर। जब्त हो जाएगा किसका? निर्दलीय के। इतना दम महंगा बता दिए है, गुंजन सिंह पूरा महंगा साबित हो रहे, देख रहे हैं कोई नहीं टक्कर में, सिर्फ टक्कर में सिर्फ आरजेडी आरजेडी। देखिए यहाँ पे जितने भी